गुरु जी राधे राधे आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि राधे प्रणाम। गुरु जी हम आपके कथा एक साल से सुन रहे हैं और अपने गांव में सारे लोग को आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाता हूँ। घर सब जिनका मोबाइल पाता हूँ सबका मैं चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ। अच्छा वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए कि ये सबको जोड़ रहे हैं। गुरु जी बहुत लोगों को हमने सुधार दिया अपने गांव में। वाह, सब शराब पीते थे, हमारे पिताजी शराब पीते थे, उनको भी हमने माला देने के लिए वचन किया है। बात डेली करते हैं, बोलते हैं गुरु जी से मुलाकात हुई नहीं हुई, हमने बोला कि मुलाकात हो गई, कल गोरखपुर से मैं गोरखपुर घर है। तो पिताजी को भी ले आना, बात करा। लाएंगे गुरु जी, लाएंगे। दो साल से मैं गुरु जी कथा सुन रही हूँ आपसे, पहले मैं नॉनवेज वनवेज बहुत से खा रहे थे। चलिए अब, और भगवान के आशीर्वाद से मुझे कोई कमी नहीं है गुरु जी। अच्छा है, खूब समाज की सेवा करो और बहुत अच्छे बनके औरों को भी ऐसे गुरु जी अच्छा बराबर मैं सेवा करता हूँ। और आपका जितने मतलब मोबाइल मिलता पहले मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूँ गुरु जी। बिल्कुल गुरु जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बात रहे आपका। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्रेरणा पाई हूँ, यू नो व्हाट, आपसे ज़्यादा गाइडलाइन ज़्यादा हुई हूँ। मैं पहले कान्हा पे उतना बिलीव नहीं करती थी, अब बहुत ज़्यादा करती, बहुत 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 ज़्यादा। मेरे को नहीं पता कैसे उनके प्रति मेरा इतना आकर्षण हुआ, कैसे उन पर ज़्यादा मेरा हुआ नहीं पता। मैं जब भी जाती हूँ ना, जब भी डर लगता है तो उन्हीं से प्रेरणा लेती हूँ। सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास तीन कान्हा हैं, हाँ ना, तो तीन कान्हा अपने घर में रखना क्या सही है? दो तो ठीक हैं कि एक कृष्ण के भाव से एक बलराम जी के भाव से, यदि ज्यादा हैं तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है अपना, जब महाशिवरात्रि होता है या अपना सावन सोमवार होता है, है ना, तो बहुत से जो भक्त हैं वो मंदिर जाते हैं, राइट। तो मंदिर जाते हैं जब जल चढ़ाते हैं, तो जो जल है बहुत से भक्त होने के कारण जो जल अपना जो भक्तों के चरणों के नीचे जाता है, कि इसे अपराध लगता है? बिल्कुल, इसलिए भगवान को स्नान के बाद जो जल है वह बहुत पवित्र होता है और वो हमारे पांव के नीचे ना आए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो गुरु जी, राधे राधे जी। आपको चरण स्पर्श मेरा, मैं कानपुर से आई हूँ। गुरु जी मैंने अभी कोई गुरु ज्ञान नहीं लिया है, पर तुम्हारी कथा आपकी बहुत रोज़ सुनती हूँ। गुरु जी मेरा मन नहीं लगता है, जब भी मैं पूजा करती हूँ, मेरे घर में बिहारी जी हैं, उनको देखती हूँ तो रोना तो बहुत आता है, मगर जब चिंतन के लिए बैठती हूँ तो उनकी तस्वीर मेरे सामने नहीं आती है और मन बहुत भटकता है मेरा। अच्छा है। और रात भर मैं उनके मन बारे यदि में भटक रहा है तो उसे भटकते भटकते वृंदावन ले आना चाहिए, बिहारी जी के चरणों में लगा देना। गुरु जी मैं वृंदावन में ही मन लगाती हूँ, पर मेरा पूजा में मन ही नहीं लगता है। लगेगा, भटकते हुए करोड़ों जन्म हो गए मन को, आज लगा रहे हैं तो लगेगा। गुरु जी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति को भी। खुश रहे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हरे कृष्ण जी। जी मैं जप करती हूँ ना, तो सब लोग बोलते हैं कि आप पीरियड में हो तो आपको जप नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मानसिक जप कर लो मानसिक जप कर लो। उस समय जैसे आप रोज माला से भगवान के सामने बैठ के ध्यान करते हैं पूजन, तो पीरियड के टाइम पर आपको केवल मानसिक जाप करना चाहिए और उन दिनों में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा है कि आपके घर में बच्चे हैं और भी लोग हैं, वो स्नान पूजा कराएं भगवान की और आप भगवान की भक्ति करो, पर मानसिक रूप से माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, माला को रख देना चाहिए और इस भाव से मन से मानसिक जप कर माला करो, कर माला।